दिल्ली के प्रदूषण पर कैसे छाया पॉलिटिक्स का साया। दिल्ली सरकार दिल्ली के प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों यूपी और हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार पंजाब पर कोई उंगली नहीं उठा रही, क्योंकि पंजाब में अब आपकी ही सरकार है। प्रदूषण से दिल्ली का बहुत ही बुरा हाल है। लोग हांफ रहे हैं, खांस रहे हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों के फेफड़ों तक जहरीली हवा पहुंच रही है, जो उन्हें बीमार कर रही है। सेहत से जुड़ी इस खतरनाक समस्या से लोगों को किस तरह जल्द से जल्द राहत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इतना गंभीर मामला भी सियासत की डोर में ही ज्यादा उलझता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस समस्या को लेकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में जुटी हुई है। बीजेपी के सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली सीएनजी की बस सड़क पे दौड़ा रहा है, लेकिन डीजल की बसें आज भी भाजपा की सरकारें दौड़ा रही हैं, उसका मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट नहीं है, लेकिन पूरे यूपी और हरियाणा के अंदर जनरेटर सेट के धुओं की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, अगर भाजपा के लोग इसी समय जो काम चल रहे हैं ना, उतना ही काम कर दें, तो उससे भी दिल्ली की काफी भला हो जाएगा। दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की है। सत्ता में आने से पहले पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली की प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब में जलने वाली पराली है। ये उनके बयान है। उन्होंने कहा कि मेरे आते ही, आम आदमी पार्टी के आते ही, पंजाब में पराली की समस्या को समाप्त कर देगी। दिल्ली सरकार हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी उसे पंजाब की पराली की याद दिला रही है। लेकिन इस समस्या से निपटने को लेकर गंभीरता कहीं नजर नहीं आ रही। सीएचयूएम के आंकड़े भी दिखाते हैं कि पंजाब में इस बार अभी तक पिछले साल के मुकाबले 50-67% पराली कम जली है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहां से 500 किलोमीटर दूर है, और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के सबसे करीब राज्य हरियाणा है, तो जरूरी है कि समीक्षा की जानी चाहिए कि 2014 से खट्टर सरकार ने प्रदूषण को लेकर हरियाणा में क्या स्टेप्स उठाए। कहीं भी पराली जलती है, हवा के अंदर इधर से उधर जब हवा के झोंके चलते तो आती है, तो पंजाब का असर हरियाणा पर नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है। जब पंजाब का असर दिल्ली में जा सकता है तो हरियाणा तो रास्ते में आता है। इसलिए इसका सामूहिक रूप से मिल बैठ करके कोई ना कोई सोल्यूशन देखने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार के नाते हमने पर्याप्त उसके जो उपचार करने के नाते जो मैयत उसके लेने चाहिए हमने लिए हैं। दोनों ही तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं, साथ में प्रदूषण की विकराल समस्या को लेकर पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण के लिए विषकाल का जिक्र किया गया है। आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण को लेकर पोस्टर वॉर शुरू किया, तो जवाबी कार्रवाई में बीजेपी ने भी देर नहीं की। उसने भी पोस्टर जारी कर दिया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया है और गैस चैम्बर बनने का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि दिल्ली में सांसों का आपातकाल। पॉल्यूशन बढ़ने का दिल्ली में एक ही कारण है, पिछले 9 साल से दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिसने कभी भी प्रदूषण को गंभीरता से लिया नहीं। उनके लिए ये भी एक इवेंट है कि 2 महीने वो इवेंट करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, पूरे साल वो इस पर काम करते नहीं। अगर दिल्ली की सरकार ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज दिल्ली वासी इस तरह से घुटी हुई सांस लेने में या आंखों में जलन लिए सड़कों पे नहीं घूमते। दिल्ली में भीषण प्रदूषण को लेकर भले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की नजर में इस समस्या के लिए कोई एक नहीं बल्कि दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं। दोनों ने चुनाव को तरजीह दी दिल्ली को नहीं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली में प्रदूषण के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रही है। पोस्टर वॉर तक शुरू हो चुका है, लेकिन समस्या का समाधान आखिर कैसे निकलेगा, लोग कब और कैसे साफ हवा में सांस ले पाएंगे, इसका जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे।